हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस आइडियल एजुकेशन। आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट से क्रांतिकोर तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का टॉपिक लेके आए हैं। ठीक है, इसमें हम लोग ये जानेंगे कि क्रांतिकोर क्या होता है। ठीक है, तो क्रांतिकोर की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। सघन माध्यम में जो कोण बनता है उसके लिए विरल माध्यम में बना कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अगर वह 90 डिग्री है तो हमारा क्या होगा, वह क्रांतिक कोण होगा। ठीक है, तो हमने जब प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाया था तो उसमें एक सघन माध्यम था, एक विरल माध्यम था, मतलब दो माध्यम थे। तो जब हमारी रे ऑफ लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अवलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिए प्रकाश का अपवर्तन के लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लेना। चलिए तो समझते हैं कि क्रांतिक कोण कैसे बनता है। ठीक है, ये हमारा कोई तल होता है और ये क्या होता है, ये हमारा अभिलंब होता है। ठीक है, अब जैसे जैसे डिफिनेशन में कह रहा है सघन, ये हमारा सघन माध्यम है। सघन माध्यम और ये विरल माध्यम है। ठीक है, कह रहा है सघन माध्यम में बना अपवर्तन कोण, चलिए ठीक है, रे ऑफ लाइट ऐसे जानी चाहिए ना, लेकिन ये अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। जब ये दूर हटेगी तो क्या कह रहा है, 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब जब दूर हटेगी तो विरल माध्यम में जो एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब रे ऑफ लाइट फिर यहाँ से रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, तो ये जो एंगल, ये वाला एंगल होगा, ये हमारा क्या होगा, क्रांतिक कोण होगा, थीटा सी। ये हमारा, इसको हमने एंगल नाम दे दिया थीटा वन, क्योंकि ये अपवर्तन को आपतन कोण है, आपतन कोण। और ये आपका जो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रांतिक कोण हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि जो हमारी रे ऑफ लाइट आनी चाहिए वो कहाँ से आनी चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आनी चाहिए। और जब वह पूर्ण मतलब रिफ्लेक्टेड होकर 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो हमारा क्रांतिक कोण बन जाता है। ठीक है, यही हमारा क्रांतिक कोण होता है। ये हमारा नॉर्मल होता है, ये आपतन बिंदु होता है, एंड सघन माध्यम विरल माध्यम। ठीक है, अब हम लोग पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पढ़ेंगे। चलिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन देख लेते हैं। डेफिनेशन पहले देख लेते हैं कि डेफिनेशन इसकी क्या होती है। जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से आगे बढ़ाए, मतलब जो सघन माध्यम में जो कोण होता है अगर उसको थोड़ा सा हम लोग और बढ़ा दें तो क्रांतिक कोण भी बढ़ जाएगा। तो मतलब जब क्रांतिक कोण जैसे ये है, ठीक है, जैसे जब हम इस एंगल को थोड़ा इधर बढ़ा देंगे तो ये क्रांतिक कोण भी इस साइड में बढ़ जाएगा। तो मतलब जो प्रकाश की रे होगी वो सघन माध्यम में वापस हो जाएगी। तो ऐसी घटना कब होती है, प्रकाश के परिवर्तन में। ठीक है, तो प्रकाश के परिवर्तन में क्या होता है कि जब कोई रे ऑफ लाइट आती है जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस चली जाती है। तो सेम वही काम यहाँ भी है, जैसे ही हम लोग आपतन कोण के मान को यहाँ से बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये वाला जब इधर बढ़ाएंगे तो ये वाला भी एंगल उधर बढ़ेगा। तो ये जो ये वाली रे ऑफ लाइट होगी ये सघन माध्यम में वापस चली जाए, तो ये जो घटना होती है इसी को हम लोग पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसका मान हम लोगों ने मान लिया यहाँ से बढ़ाया, सॉरी गलत हो गया है, ठीक है, लेकिन आप ये यहाँ से जाएगी ये रे ऑफ लाइट, जानी ऐसे चाहिए। ठीक है, इसका मान हमने ये थीटा वन, और ये रिफ्लेक्टेड होकर इसी माध्यम में वापस आ जाएगी। तो ये हमारा परिवर्तन कोण इसको नाम दे, क्योंकि परिवर्तित हो गई पूरी रे ऑफ लाइट, परिवर्तन कोण, और ये आपतन कोण। इसमें एक कंडीशन याद रखना
कि इसमें जो आपतन कोण का मान होता है ना, वह परावर्तन कोण से ज़्यादा होता है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल होता है, बस इतना ही है कि आपतन को इसमें बस यही है कि इसमें आपतन कोण का जो मान होता है परिवर्तन कोण के मान से ज़्यादा होता है। और इसके लिए दो शर्तें होती हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में दो प्रतिबंधी मतलब दो शर्तें होती हैं कि इसमें जो रे ऑफ लाइट होनी चाहिए वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जानी चाहिए। ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जानी चाहिए। और सुनो, पहला पॉइंट ये हो गया कि जो रे ऑफ लाइट होनी चाहिए वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, और दूसरा पॉइंट ये है कि सघन माध्यम में जो आपतन कोण का मान होता है वह क्रांतिक कोण से बड़ा होता है, और जो क्रांतिक कोण का जो मान होता है वह भी बड़ा ही होता है। ठीक है, कि सघन माध्यम में बना जो आपतन कोण होता है वह क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। ठीक है, ये दो हमारे नियम हैं, यही यही तुम्हारा क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। ठीक है, थैंक यू। अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ हमारे को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट ज़रूर करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ आप लोगों का फुल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये चैनल मैंने अभी अभी नया नया बनाया है, इसलिए फुल सपोर्ट करिए प्लीज़।